नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि ये छोटी सी 3 से 4 मिनट की वीडियो आपके लाखों रुपए की बचत करवा सकती है, आप भी सोचेंगे बहुत ही भद्दा मजाक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों चलिए, बाहर से तो सब कुछ सही दिख रहा है। दोस्तों यहाँ प्लिंथ बीम तक काम हो चला है और बीम के नीचे ब्रिकवर्क किया गया है। कोई भी आपको ग्राउंड बीम देखने को इस साइट पे नहीं मिलेगा दोस्तों, डायरेक्ट जो है वो ब्रिकवर्क करने के बाद में प्लिंथ बीम दिया गया है। और नहीं तो एक चीज़ और किया जा सकता था कि यहाँ पे नीचे ग्राउंड बीम देने के बाद ब्रिकवर्क होता और उसके ऊपर 2.5 इंच का दोस्तों DPC दिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर इस साइट पर ऐसा नहीं किया गया है। और इससे क्या दिक्कत आई है साइट पे, आप देख सकते हैं दोस्तों दीवार में क्रैक्स आपको देखने को अभी से ही मिल रहे हैं। प्लिंथ बीम के ऊपर दोस्तों काम नहीं हुआ है, ना ही दोस्तों प्लिंथ बीम तक फिलिंग हुई है, सॉइल फिलिंग हुई है, मिट्टी का भराव तक नहीं हुआ है। और जितना मिट्टी दोस्तों भरा गया है उतना ही दोस्तों मिट्टी इस दीवार को बाहर की तरफ ढकेल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा क्रैक आपको देखने को मिल रहा है। तो गलती कहाँ पर हुई है और सुधार किस तरह से कर सकते हैं ये भी आप जानते जाइए। दोस्तों बात कर लेते हैं, जब मिट्टी को हम अंदर की तरफ डालते हैं तो क्या होता है, उसमें एक प्रेशर होता है और बाहर की तरफ चूंकि कुछ भी सपोर्ट नहीं है, अचानक से गड्ढा है, इसलिए बाहर की तरफ मिट्टी ढकेलता है और वो दीवार को बाहर की तरफ ढकेलने के क्रम में क्या होता है, क्रैक्स पड़ता है। क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ता जाता है दोस्तों, जिस तरह से लोड बढ़ता जाता है और क्या होता है कि दीवार बाहर की तरफ दोस्तों फेंक देता है। और उससे क्या होता है कि उसमें जो भी आपने टाइल्स मार्बल का काम करवाया होगा, जो भी फर्श पे दोस्तों टाइलिंग हुई होगी, वो सभी दोस्तों धीरे धीरे धंसने लगती है। तो उससे क्या होता है, पहली चीज़ तो आपको दोस्तों फिर से ब्रिकवर्क वगैरह कराना। और दोस्तों असली खर्च तो तब होता है जब फिर से दोबारा फ्लोरिंग करवाने की बारी आती है, चूँकि जितना भी टाइल्स वगैरह आपने लगाया हुआ होगा वो उखाड़ने में टूट जाता है और मिट्टी धंसेगी नीचे में दोस्तों, तो वैसे भी आप उस पर पैर वगैरह रखेंगे तो टाइल्स वगैरह अपने आप टूटने लगता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कि जब भी आप घर बनाएं सबसे पहले क्या करें कि बिना सोचे समझे ग्राउंड लेवल पे एक बीम दिलवा दें, उसके ऊपर में ईंट की जुराई करवाएं, चाहे आप 2 फीट करवाएं, 2.5 फीट करवाएं। इस वाले केस में देख सकते हैं कि 2.5 फीट का ब्रिकवर्क है, आप आराम से करवा सकते हैं, 3 फीट 3.5 फीट तक जा सकते हैं। उसके ऊपर में दोस्तों 3.5 फीट से ऊपर अगर जाना आपको, तो उस समय क्या करेंगे, फिर से एक आप प्लिंथ लेवल पे बीम दिलवाएंगे और 2 फीट 2.5 फीट का अगर बात आती है तो आप दोस्तों नॉर्मली 2.5 इंच का जो DPC होता है प्लिंथ लेवल पे, उसको भी दिलवा करके अपना काम चला सकते हैं। तो उससे एक चीज़ होगा कि ये जो मिट्टी धंसने वाला क्रैक वाला समस्या है वो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, और फ्लोरिंग टाइल्स उखाड़ के फिर से लगाने की नौबत नहीं आएगी और इस तरह से आप बहुत सारे मेहनत से कमाए हुए पैसों की बचत कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को अगर आप सीरियसली लेते हैं, जाहिर सी बात है आपका फायदा होने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।